गर्दन दर्द के ऊपर प्रभावी उपचार मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तथा महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमें ऑनलाइन ऑफलाइन लोग वीडियो कंसल्टेशन करते हैं और काफी लोग गर्दन दर्द के बारे में और कंधे दर्द, ये जो पूरा पोर्शन जो है यहाँ है ना, ये पूरा पोर्शन कंधे और गर्दन दर्द के लिए आते हैं। अक्सर जो मेरे तक पहुँचते हैं वो लोग सब तरह की जांच पड़ताल करने के बाद में आते, सब एक्सरे कर लिया, MRI कर लिया, सब तरह की जांच कर लिया और उनको उसमें कुछ मिलता नहीं। अब उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत मिल जाता है कि डिस्क प्रोलैप्स है, स्लाइट डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं, या जो डिस्क है उसमें की जगह कम हो गई बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ तो भी, मगर वो एक्सप्लेन नहीं करता है कि भाई इतना दर्द क्यों है। शोल्डर में दर्द है, कंधे में दर्द है, तो इसके लिए क्या उपाय है? यूजली ये 40 के बाद में लोगों को चालू हो जाता है। लोग नेक कॉलर पहनते हैं या दवाई खाते हैं, बहुत सारे एनाल्जेसिक्स खाते हैं, दर्द कम करने की दवाइयाँ, और फिर कुछ मिलता नहीं, फिर हमारे पास में आते हैं। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि देखिए, आपका जो बॉडी का दर्द है, मतलब मैं तो ये हरदम ही बोलते रहता हूँ कि 100 पेशेंट यदि जनरल प्रैक्टिशनर के पास में जाते हैं तो उसमें के 55% लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। अभी इसमें कुछ मिलता नहीं, इसका मतलब ये साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल मतलब कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है, उसको सच्ची गर्दन में दर्द हो रहा है, सच्ची शोल्डर में पेन हो रहा है, कंधों में सच्ची पेन हो रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है वो, मगर उसका कारण मानसिक है, वो हमको देखना पड़ेगा। तो फिर हम बोलते हैं कि भाई क्या तनाव है? बोल तनाव कुछ भी नहीं है। स्ट्रेस क्या ले रहे हो? नहीं, स्ट्रेस तो कुछ भी नहीं लेते हैं। फिर हो रहा क्या? फिर जब उनको हम डिग करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, मानसोपचार या CBT या हिप्नोथेरेपी, तो उसमें से उनको फायदा होने लगता है। मैं उनके साथ जब बातचीत करता हूँ, संवाद करता हूँ, तो फिर उनको बोलता हूँ कि देखो आप कहाँ कहाँ अपने लाइफ में ईर्ष्या कर रहे हो। ईर्ष्या करना जीलसी, देखो तेरा, देखो ढूंढो लिखो, ऐसा मैं बोलता हूँ, और वो निकालो सब बाहर। फिर मैं बोलता हूँ उनको कहाँ तुलना करते हैं आप, कंपैरिजन करना, और उससे फिर अपने आप को स्ट्रेस में लाना। ईर्ष्या करना जीलसी कि उसके पास में एक कार, अपने पास में कार नहीं, उसके पास में बड़ी कार, अपने पास में छोटी कार है, या कंपेयर भी करना है या ईर्ष्या भी करना फिर कि मेरे पास में जो है वो उसके पास में नहीं होना चाहिए और उसके पास में जो है वो मेरे पास होना चाहिए। जीलसी बहुत है। फिर क्रोध करना, छोटी छोटी बात के ऊपर क्रोध करना या गुस्सा करना, तो रिजेंटमेंट या नाराज हो जाना, नाराज होना, क्योंकि नाराज कब होता है आदमी, अपेक्षाएं बहुत रहती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है, तो नाराज हो जाते हैं। या फिर बुरा मानना लोगों के बातों का, या अपराध बोध की भावना होना, या मैंने कुछ पाप किया है, गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध की भावना या पाप की भावना लगना कि मैंने कुछ भी गड़बड़ की है, मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने बुरा किया, या मैंने झूठ बोला हुआ है, मैंने पाप किया हुआ है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम अपने आप से झूठ नहीं छुपा सकते हैं, लोगों से झूठ छुपा सकते हैं, अपने आप से नहीं छुपा, तो अपने को मालूम है कि मैंने कहाँ झूठ बोला है, कहाँ मैंने अप्रामाणिकता बताई है, तो अप्रामाणिकता होंगी या झूठ बोला होगा, उससे मेरे को अच्छा लगता नहीं है, मैंने कुछ अपराध किया ऐसा लगता है या पाप किया ऐसा लगता है। फिर दोष या गुनाह मैंने किया ऐसा लगना, मैंने कुछ गुनाह किया हुआ है तो वो लगना, या किसी को दोष देना वो भी एक हो सकता है, या किसकी आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना लोगों को। अब ये सब जब हम बात देखते हैं, मैं फिर से दोहराता हूं, तो मैं लोगों को बोलता हूं इसमें से देखो आप क्या कर रहे हो, ईर्ष्या या जीलसी, तुलना कंपेरिजन, क्रोध रिजेंटमेंट, नाराज होना रिजाइन होना, बुरा लगना बैड फीलिंग, एंगर गुस्सा करना, अपराध या पाप की भावना होना गिल्ट फीलिंग, गुनाह गुनहगार हूं ऐसा लगना, किसी को दोष देना, आलोचना करना। अब ये हम जब करते हैं, और इसके साथ साथ किसी के ऊपर प्यार ना करना, तो ये बातें आप देखो, ऐसा मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप कहाँ कहाँ ये कर रहे हैं, किसको आपको माफ करना है क्या माफ करो, किसको दोष दे रहे हैं क्या, जिम्मेदारी नहीं ले रहे क्या आप, या किसको क्रिटिसाइज कर रहे क्या, आलोचना कर रहे क्या, ईर्ष्या कर रहे क्या, तो ये सब बातें जो है वो टेंशन देती है। तो इसमें मैं बोलता हूँ कि ठीक है, अभी इसके ऊपर उपचार क्या है, एक तो एक्सेप्ट करो, स्वीकार करना, चूज करना, चुनना, जो है वो ठीक है, जैसा है वैसा है, और जैसा नहीं है वैसा नहीं है, उसका स्वीकार करना और प्यार करना। प्यार क्या बोलते हैं, जब आप किसी व्यक्ति के साथ में एक हो जाते हो, बीइंग वन विथ पीपल, और वो जैसा है वैसा है, और जैसा नहीं है वैसा नहीं है, उसका स्वीकार करते हो, उसको बोलते हैं प्यार करना, तो वो प्यार करना है। किसी को आपको क्षमा करना है तो क्षमा कर दो, क्षमा मांगना है तो क्षमा मांगो, आपको लगता है मैंने गलती किया है, आपको लगता है किसी ने गलती की है, क्षमा कर दो उसको, जान दो, छोड़ दो उसको यार, आपको लगता है उसने ये नहीं करना चाहिए मगर किया क्यों, छोड़ दो। किसी को एक्नॉलेज करना है, स्तुति करना है, तारीफ करना है, धन्यवाद देना है, तो वो धन्यवाद दे दो। तो ये जब आप जब ये करते हैं,
तब आपको बहुत फ्री लगता है। क्या होता है कि माँ बाप, उनके साथ में क्या आपने क्या हुआ है, माँ बाप के साथ में कुछ गड़बड़ है, रिलेशनशिप में गड़बड़ है, दूसरा पैसा और तीसरा सेक्स, ये बहुत बड़ी और इसके ऊपर चीजें हैं कि जहां गड़बड़ आपने की है, जहां डिसऑनेस्टी है, तो आपको तकलीफ होना शुरू हो जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। ये आप यदि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसमें आप कंप्लीट हो, कुछ भी किसी से बात करने तो आप कंप्लीट बात कर रहे हो, कुछ दबा के छुपा के नहीं रख रहे हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन लोगों से करते हो, तो ये बातें ठीक हो सकती है, आपका सरदर्द निकल जाएगा। कितने सारे ऐसे सैकड़ों लोग हैं कि जो बोलते हैं कि हमारा सरदर्द निकल गया, हमारा गर्दन दर्द निकल गया, हमारा शोल्डर जो पेन है, कंधे दुखना पूरा निकल गया, इतना हल्का लग रहा है, ये आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया। तो ये गायब कर सकते हैं आप, दिमाग यदि ठीक रहा तो, और दिमाग के लिए मैंने बताया सब बातें, ये करो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी लोगों को शेयर करो, बहुत लोगों को ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है जिनको ये प्रॉब्लम होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जो शेयर करो, हमने व्हाट्सएप की लिंक दी उसके ऊपर आप ज्वाइन हो जाओ, ताकि हमारे जो प्रोग्राम्स अलग अलग होते हैं, वेबिनार्स, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।